कांग्रेस पार्टी के नेता अरविंद रेड्डी ने कहा है कि आईटी मंत्री केटीआर रामाराव को लड़की देने वाला ससुर पाकाला हरिनाथ राव ने अनुसूचित जनजाति के प्रमाण पत्र पर नौकरी हासिल की है। केटीआर के ससुर हरिनाथ राव ने एक एसटी का हक छीना है। रेवंत ने मंत्री केटीआर और मुख्यमंत्री केसीआर से सवाल किया कि एक एसटी के हक को छीन लेने वाले व्यक्ति के खिलाफ अब तक किसी प्रकार की कार्रवाई क्यों नहीं हुई है। रेवंत रेड्डी ने मीडिया को बताया कि केटीआर के ससुर हरिनाथ राव ने एसटी प्रमाण पत्र के आधार पर 35 साल सरकारी नौकरी की है, अब पेंशन भी ले रहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री केसीआर सुझाव दिया कि वो इस मामले पर हस्तक्षेप करें और हरिनाथ राव के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करें और लोगों को विश्वास दिलाए कि इनकी सरकार किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करती है। कांग्रेस के नेता रेवंत ने बताया कि हरिनाथ राव के बारे में वो तेलंगाना सरकार से शिकायत कर रहे हैं, मगर मुख्यमंत्री ने अब तक किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की है। रेवंत रेड्डी ने चुटकी लेते हुए कहा कि हमेशा ट्विटर में बयानबाजी करने वाले केटीआर को उनके ससुर की धोखेबाजी घटना दिखाई नहीं देती है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री केसीआर अपने संबंधी को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता रेवंत रेड्डी ने चेतावनी दी कि यदि सरकार इस घटना को लेकर कार्रवाई नहीं करती है तो कांग्रेस पार्टी इस मामले को आंदोलन में ले जाएगी। कांग्रेस पार्टी इस मामले को आसानी से नहीं छोड़ने वाली है। ఎవరి బతుకులు బాగుపడాలని, ఎవరి భవిష్యత్తు ఉజ్వలంగా ఉండాలని కాంగ్రెస్ పార్టీ తెలంగాణ ఇచ్చిందో వాళ్ళకు సంబంధించిన ప్రస్తావననే మొదటి రోజు గాంధీ భవన్లకు నేను వచ్చినప్పుడు ప్రస్తావించడం ద్వారా ఆయా సామాజిక వర్గాలకు జాతులకు కాంగ్రెస్ పార్టీ గతంలో అండగా ఉన్నది, భవిష్యత్తులో అండగా ఉంటుందని నిరూపించడానికే మొన్న డిసెంబర్ 9 రోజు పాకాల హరినాథరావు గారి గురించి ప్రస్తావన తీసుకురావడం జరిగింది. మిత్రులారా, నేను ఒకటే అడుగుతున్న ఈ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారిని, మీరు ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత ఒక ప్రకటన, విస్పష్టమైన ప్రకటననిచ్చారు. జో పాకాల హరినాథరావు కేసీఆర్ కి సంబంధి షెడ్యూల్ ట్రైబ్ రిజర్వేషన్ బోగస్ సర్టిఫికెట్ అంటే सरकार में नौकरी दिया, डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर के पोजीशन में रिटायर हुए, आज भी 50,000 उन पेंशन ले रहा। वो जो सर्टिफिकेट है शेड्यूल ट्राइब ला के दिए वो बोगस सर्टिफिकेट है। आज इसीलिए हम लोग ये मुद्दा उठा रहे, जब गलती होता, जब क्राइम होता, सरकार वाले उसको जो जिसने वो काम किए उसके ऊपर सेक्शंस लगाना, केस लगाना, उसको अरेस्ट करके जेल में भिजाना, जितने भी पैसे उन्होंने सरकार से तनखा लिए पूरा वापस सरकार वसूल कर। आज मैं ये सवाल उठाना चाह रहा हूँ केसीआर साहब को, आपके रिश्तेदार केटीआर का जो मामा है पाकाला हरनागरा, जो 35 साल तनखा लिए और 10 साल से जो पेंशन ले रहा, ये 45 इयर्स के जितने भी सरकार से पैसे लिए जो गिरिजन फैमिली को मिलने का था रिजर्वेशन, वो रिजर्वेशन में इनू सरकार में भर्ती हुई है नौकरी में, वो बैकलॉग पोस्ट में गिरिजन को उनके फैमिली को नौकरी देना, और दूसरा जो पाकाला हरनागरा जो बोगस सर्टिफिकेट सरकार में दे के नौकरी किया उसको भी प्रोसिक्यूट करना, उससे पूरा पैसा वसूल करना, बोलते केसीआर साहब को हम लोग कंप्लेंट दे रहे। और उनके उनके अगर कोई गलती हुई सरकार में, बेटा भी हो, बेटा बेटी भी हो, हम जेल को भी जाते बोल के इससे पहले गवाह दिए थे केसीआर साहब ने, फिर आज वो गवाह सही है, झूठ बोल रहा है, खाली बकवास बोलने के लिए, लोगों को उल्लू बनाने के लिए ऐसा बात बोले तो कोई नहीं चलेगा। तेलंगाना जो समाज है सोचेगा सर केसीआर क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। आज केसीआर साहब का जो भी ईमानदारी आज उन्होंने दिखाना है तेलंगाना के सामने, अगर वो ईमानदार है तो पाकाला हरनाथराव को अरेस्ट करके पूरा पैसा वसूल करना, उसको जेल भिजाना, जो उनको गलती किए उसको जो पनिशमेंट देना है। अगर वो बेमान है तो तेलंगाना आम लोग केसीआर साहब को बराबर उसको। हैदराबाद से संवाददाता सैयद हमीद की रिपोर्ट।